तो चलिए आज हम बनाते हैं कोरियन किमची नूडल्स विथ सम लिटिल ट्विस्ट। जैसे कि हमने ये किमची को देखा है लोगों को बनाते हुए कि वो बस ऐसे सिंपली पानी के साथ बॉईल करते हैं, जैसे हम मैगी बनाते हैं उसे ये ऐसे ही बनाते हैं। बट मैं आज इसे बनाने वाली हूँ वो जो एक हमारा ट्रेंड नहीं चला था कोरियन नूडल्स वाला, चिली ऑयल नूडल्स वाला, मैं इसे वैसे ट्राई करने वाली हूँ। ये काफ़ी टेस्टी बना था वैसे तो, बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए देखते हैं मैं इसे कैसे बना रही हूँ। मैंने बस पैन में 2 कप पानी लिया है और इसे मैं बॉईल कर लूँगी। इसे हमें ऐसे, आप यहाँ पे पानी कितना भी ऐड कर सकते हो, मतलब इसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, बट हाँ ये अच्छे से बस बॉईल हो जाना चाहिए। अब ये बस 2-3 मिनट लगता है बनने में, हो जाता है। उधर वो हमारा नूडल्स बॉईल हो रहा है तब तक हम इसमें उसका सॉस ऐड कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गार्लिक लिया था, थोड़ा मिर्च भी लिया था मैंने, उसका सीड्स निकाल दिया था। उसके बाद ये टोस्टेड सेसमे सीड लिया था मैंने, अब ये सेज़वान ले लिया है। आपको इसमें सेज़वान चटनी बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नूडल्स के जो खुद के मसाले होते हैं उनका भी तो टेस्ट आना ज़रूरी है ना। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस लिया है, क्योंकि मुझे सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम भी ले सकते हो, बट अच्छा लगता है ये ज़्यादा। फिर मैंने इसमें थोड़ा पिज़्ज़ा मिक्स भी ऐड किया है। फिर ये हमारे नूडल्स के मसाले ऐड हो गए इसमें, मतलब ये सॉरी ये हमारी वेजीज है नूडल्स सारी। अब ये है उसके मसाले, ये भी काफ़ी, ये थोड़ा स्वीट सा था इसका मसाला, बट हाँ ये भी अच्छा था। अब आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा और स्पाइसी ऐड, मतलब चटनी और ऐड कर सकते हो सेज़वान वाली, बट ये मुझे इतने में ही काफ़ी स्पाइसी लग रही थी, मतलब जितना कि नूडल्स था हमारे लिए पास उतना ही। अब मैंने इसमें ये गर्म गर्म ऑयल ऐड कर दिया है, इसका स्मेल काफ़ी टेम्पटिंग था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था इसका। अब मैंने ये हमारा नूडल्स ऐड कर दिया, मैंने इसका एक्स्ट्रा वाटर थोड़ा फेंक दिया, बट थोड़ा पानी है इसमें, क्योंकि मैं जब तक इसका थोड़ा फ़ोटोज़ लूँगी तब तक ये सोक कर लेगा ये पानी, और ये काफ़ी जूसी जूसी होगा। ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था जब मैं इसे बना रही थी, तो अभी भी ये काफ़ी यमी है। देखने में ये कितना टेम्पटिंग है, खाने में तो और भी मज़ा आता है। ये देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।